हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग F14 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में रिफ़्रेश रेट है, तो रिफ़्रेश रेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और रिफ़्रेश रेट को कैसे आप शो कर सकते हैं डिस्प्ले पे। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि रिफ़्रेश रेट को शो कैसे कर सकते हैं और कैसे आप चेंज कर पाएंगे, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ से जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाते ही जो भी हमारे फ़ोन में रिफ़्रेश रेट है, तो रिफ़्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 फ़ोन में। तो आप देख सकते हैं कि जब आप सर्च करते हैं रिफ्रेश रेट, तो रिफ्रेश रेट सेटिंग्स आ जाएगी, जिसके जरिए रिफ्रेश रेट को आप चेंज कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से शो करना चाहें तो डिस्प्ले कॉर्नर पर रिफ्रेश रेट आ जाएगा, देख सकते हैं 60 हर्ट्ज के रूप में रेड कलर का शो हो रहा है, जिसको आप शो कर सकते हैं। और ऑफ़ करते हैं तो आपका रिफ्रेश रेट डिस्प्ले पे शो नहीं करेगा। तो इस तरह से रिफ्रेश रेट को शो करके आप रिफ्रेश रेट का पता कर सकते हैं सेटिंग्स पे, सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। और आप जैसे रिफ्रेश रेट को चेंज करना चाहें तो चेंज भी आप कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में रिफ्रेश रेट 60 या 90 है, तो आप चेंज कर पाएंगे डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर। आपके डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट सेटिंग शो हो जाएगी, जहाँ से रिफ्रेश रेट को आप बदल सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन में रिफ्रेश रेट 60 या 90 है तो। और साथ में और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सीडेंटल टच पोर्शंस का यूज़ भी कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर्स का भी अब यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।